नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से पंजाब कांग्रेस में स्थितियां अब बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हैं। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि कैप्टन अमरिंदर अब ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार वो पार्टी का साथ छोड़ दें या पार्टी में बने रहें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो ये बता रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद जिस हिसाब से सोनिया गांधी की तरफ से एक फोन आया, इस फोन कॉल ने और ज्यादा पंजाब कांग्रेस के अंदर चिंता बढ़ा दी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सोनिया ने कैप्टन को फोन कर क्या कहा और किस तरह की स्थितियां यहां पर दिखती नजर आ रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में अब नए CM चेहरे के लिए मंथन चल रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सुनील झाकड़ का दावा सबसे मजबूत है। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन जब मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने सोनिया गांधी से हुई बातचीत के बारे में मीडिया को भी बताया। इसके अलावा सिद्धू को निशाने पर लेते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और अगर कांग्रेस पार्टी उसे CM का फेस बनाती है तो मैं इसका विरोध करूंगा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, जब मुझे पता चला कि कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुनने की बात हो रही है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष को 10:15 के करीब फोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। सोनिया जी से बात तो हुई, उन्होंने कहा कि I am sorry अमरिंदर। दरअसल अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी को पहले से ही पता था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच जो सियासी लड़ाई चल रही है इसका फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से उठा लेंगे। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए कैप्टन ने कहा भी कि सिद्धू कुछ नहीं संभाल सकता है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। सिद्धू कोई चमत्कार नहीं करने वाला, वह पंजाब के लिए डिजास्टर होने जा रहा है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी है वो करें। उनको PCC का प्रेसिडेंट बनाना है तो बनाएं, लेकिन अगर इसे पंजाब के मुख्यमंत्री का फेस बनाते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के साथ इसके कैसे संबंध हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान सिद्धू का दोस्त है, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। यहाँ डेली पाकिस्तान से ड्रोन आते हैं, कितने हथियार आ गए, कितने विस्फोटक आ गए, वो जानते हैं कि आखिरकार ये सब किसके शह पर हो रहा है। यानी कि कैप्टन अमरिंदर ये पूरी तरह से जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से किस तरह स्थितियाँ अब अलग होती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अगर सिद्धू पर बड़ा दांव खेला जाता है तो इसका बड़ा नुकसान केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरह का माहौल इस वक्त पंजाब कांग्रेस में बन चुका है, इससे पता चलता है कि वाकई में आने वाले समय की जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक अलग होती नजर आएंगी। हालांकि अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से अचानक जिस तरह इस्तीफा ले लिया गया, ये बताता है कि पंजाब कांग्रेस में जो सियासी मसला अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रहा था, ये सियासी मसला पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बात करें कैप्टन अमरिंदर की, तो वो बड़ा कदम तो जरूर उठाते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को अब सोनिया गांधी का साथ पूरा पूरा मिलता नजर आ रहा है। खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत बड़ी साजिश रचकर कैप्टन को उनके CM पद से हटा दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।